राजपूत जरा रुकिए, कहाँ जा रही है? न्याय में परम न्यायी, वीरों में परम वीर महाराज विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठने? नहीं राजपूत, तुम इस सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं हो। जरा सोचो तो, ऐसा कौन सा गुण है तुम में जो तुम्हें 32 पुतलियों वाले सिंहासन पर बैठने के योग्य बनाता है? है कोई ऐसा गुण? रुको, मैं तुम्हें महान सम्राट वीर विक्रमादित्य की कहानी सुनाती हूँ। एक दिन की बात है कि प्रजा का दुख दर्द जानने के लिए एक बार वे ब्राह्मण का वेश बनाकर उज्जैनी नगरी में भटक रहे थे। भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय। राम ब्राह्मण देवता, सुखी रहो। इतनी रात को आप कहाँ निकल पड़े? किसी को खोज रहे हैं क्या? हम ब्राह्मण या तो भगवान को खोजते हैं या किसी धनी को जो अधिक दान दे, और किसे पूछे। अच्छा अच्छा, हमें किसी सेठ के विषय में बताइए जिसने बहुत धन कमाया। क्यों बताएं? तुम्हें इससे क्या? ताकि हम उसके सामने जाके हाथ बता सकें। और क्या, आप तो जानते ही हो जो धन चोरी से कमाता है वो दान भी अधिक देता है। वो दिन गए, ये विक्रमादित्य का राज्य है, यहाँ चोरी से तो धन कमाना संभव ही नहीं। हाँ, सामने एक बड़े सेठ रहते हैं, उनका लड़का बहुत बड़ा व्यापारी है, देश देश भटकता है, उसने बड़ा धन कमाया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हमारे सामने तेरे लिए कोई बेला नहीं है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यहाँ क्या कर रहे हो तुम? चुप रहो जी। अपने घर की लक्ष्मी को अपमान करके निकालना पाप। ये बहू नहीं है, हम इसे बहू नहीं मानते। ये हमारे लड़के के साथ इसका कोई संबंध नहीं। जब से विवाह होकर घर में आई, हमारे लड़के से मिली भी नहीं कभी, फिर भी मान बन गई। और कैसी है तो मैं आपकी पुत्रवधू हूँ। ये क्या रहस्य है देवी जी? तुम बीच में मत बोलो ब्राह्मण देवता, ये हमारे घर की बात है। विचित्र स्थिति। देखिए, मेरे पति के आने तक मुझे यही रहने दीजिए। वो आएंगे तो मैं भी मानेंगे कि ये उनका पुत्र है। इस पर इतना अत्याचार मत कीजिए। अरे हम सच्चा ही जानते नहीं क्या? हमें क्या सिखा रही है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब आप क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, तुम्हें देखिए देवी जी,
अन्यथा न समझिए, ब्राह्मण पिता के समान होता है। आप मेरी बेटी की तरह हैं। इस कष्ट में मैं आपकी सहायता करना चाहता हूँ, रात का समय है। तो फिर मुझ पर एक कृपा कीजिए, मुझे मेरे पिता के पास पहुंचा दीजिए। अवश्य देवी जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चलिए आप मुझे सच बात बताएंगे, आप कहते हैं कि आप बहू हैं, ये बच्चा आपका है, लेकिन आपके ससुर कहते हैं कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय कि ये बच्चा। देख ब्राह्मण, तुझे सलमा पर चुप कर, नहीं तो मैं अकेली चली जाऊँ, तुझे हमारे परिवार से क्या कर। चलिए चलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मेरे पिता का घर है, लाइए इसे मुझे दे दीजिए, आपको बहुत कष्ट हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ, लेकिन कृपया जाते जाते मेरी एक बात सुन लीजिए। जीवन में अन्याय करना या अन्याय सहना दोनों ही पाप है। सच को आप छुपाएं या आपके पति या आपके ससुर, ये सभी दोषी माने जाएंगे। तो फिर मैं क्या करूं? समाज में अपने ससुर के विरुद्ध ढिंढोरा पीटती फिरूं? देखिए, यहाँ राजा विक्रमादित्य जैसा न्यायी राजा राज करता है, राजा पिता की तरफ होता है। आपके साथ जो भी अत्याचार हो रहा है उसकी कथा आप जाके राजा विक्रमादित्य को सुना दीजिए, वे न्याय कर देंगे। पर आपको जो सम्मान मिलना चाहिए वो मिलेगा। ब्राह्मण देवता, आपने मुझे जो सीख दी है मैं वैसे ही करूंगी। मैं कल ही अपने पिता को लेकर महाराजा विक्रमादित्य के दरबार में जाऊंगी और न्याय की दुहाई दूंगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बस आपको यही तो करना चाहिए। सौभाग्यवती भव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महाराज, नगर के एक सेठ श्याम सुंदर अपनी पुत्री के साथ आया, आपसे कुछ कहना चाहते हैं। बोलो। महाराज, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं बढ़ी हूँ, अब कहो क्या बात थी जो तुम्हारे ससुर ने कल रात तुम्हें अपमानित कर घर से बाहर निकाल दिया। मैं जिस दिन से उस घर में बहू बनकर गई महाराज, मेरे पति मुझे कभी नहीं मिले, मेरे जाते ही मुझे तल घर में सदा के लिए बंद कर दिया गया। आपके पति की आज्ञा थी आपको जीवन भर इस तल घर में बंद रखा जाएगा, मगर क्यों? मैं बहू नहीं करती, मुझे यहाँ बंद करके रखने के लिए विवाह करके लाया गया है। मेरे पति का है, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। आप उनसे कभी नहीं मिल सकेंगी बहू रानी। क्यों, क्या अपराध किया है मैंने? बहुत बड़ा अपराध किया है आपने। सुना है विवाह के पूर्व आप कहा करती थी कि पुरुष की अपेक्षा स्त्री अधिक चतुर और बुद्धिमान होती है। हाँ, कहा करती थी और अब भी कहती हूँ कि स्त्री पुरुष की अपेक्षा अधिक चतुर और बुद्धिमान होती है। मूर्ख लड़की, तेरे इसी अभिमान का दंड तुझे जीवन भर मिलेगा। जिस दिन से मेरे पुत्र ने सुना है कि तुम लड़की होकर इस तरह की बातें करती हो, तो उसने आग्रह किया कि वो तुमसे विवाह करना चाहता है और हमें मानना पड़ा। अब वो तुझे जीवन भर इसी साल घर में बंद करके रखेगा, यह देखने के लिए कि तुम कितनी बुद्धिमान हो कितनी चतुर हो। स्त्री को अपनी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए, जो मर्यादा उल्लंघने की चेष्टा करती है उनकी यही दुर्दशा होती है। आप माँ होकर अपनी बेटी की इस मूर्खता भरे प्रस्ताव का समर्थन करती है? हाँ, तुम्हें यहाँ में भोजन मिलेगा, कपड़े मिलेंगे, नहीं मिलेगा तो अपना पति, तुम्हें कभी मिलेगा तो नहीं मिलेगा।
भोजन मिलेगा, कपड़े मिलेंगे, नहीं मिलेगा तो पति नहीं मिलेगा। फिर तुमने क्या किया? मैं क्या करती महाराज, तलघर की दीवारों में बंद समय बिताती रही। आपने कभी अपने बेटे की सुधि नहीं ली? हम कई बार गए महाराज, पर कभी हमें अपनी बेटी से मिलने नहीं दिया गया। एक बार उस परिवार की एक दासी ने बड़ी दया करके इसका एक पत्र लाकर मुझे दिया, जिससे पहली बार मुझे अपनी बेटी की दुर्दशा का पता चला महाराज। फिर आपने क्या किया? इसने मुझसे अपने पत्र में कहा था कि मुझे छुड़ाने का कोई प्रयत्न आप ना करें और ना ही ये बात किसी दूसरे को बताई जाए। क्यों? मैं अपने ससुराल की या अपने पति की बदनामी नहीं करना चाहती थी महाराज। फिर इसने अपने पत्र में मुझसे आग्रह किया कि मैं अपने घर से इसके ससुराल तक एक ऐसी सुरंग बनाऊं, एक ऐसा गुप्त मार्ग जिससे मेरी बेटी जब चाहे अपने पीहर आ सके। आपने बनाई सुरंग? जी महाराज, समय तो लगा पर बन गई सुरंग। पिताजी, तब मैंने ठीक से जाना कि मेरी बेटी किस कष्ट में जी रही। मैं उसी सुरंग से इसे अपने घर लेकर आया। ये हर दिन कुछ समय के लिए उसी सुरंग से मेरे घर आती और वापस अपने ससुराल के कैदखाने लौट जाती। बड़े दिनों के बाद मेरी बेटी के चेहरे पर मुस्कान लौटी और उसने खुली हवा का अनुभव किया। इस पूरे समय तुम्हारा पति तुमसे विरक्त बना रहा? उसने तुम्हें देखने का, जानने का, चिढ़ाने का या दुखी करने का भी कोई प्रयत्न नहीं किया? मुझे कुछ नहीं पता महाराज, उनके विषय में कोई बात जानने पूछने का मेरे पास कोई साधन नहीं था और वे दासियां भी मुझे कुछ बता नहीं सकती थी। पहली बात तो यह है महाराज कि मेरा दामाद अपने व्यापार व्यवसाय के चक्कर में अधिकतर नगर के बाहर ही चला जाता है। नगर में रहता भी है तो उसका अधिकांश समय अपनी मित्र मंडली के साथ घर के बाहर ही बीतता है। हाँ तो आगे कहो, फिर क्या हुआ? यदि मैं अपने पति को पाने का प्रयत्न नहीं करती तो मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं रह जाता महाराज। अपने पति को रिझाने और उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने के लिए मैंने ग्वालन बनने का निर्णय लिया और अपने पिता से कहकर नगर के बाहर एक झोपड़ी बनवाई, कुछ गाय भैंसे पाली और ग्वालन का भी विस्तारण करके उज्जैनी के मार्ग पर दूध बेचने लगी। इसके बाद क्या हुआ? अरे वो तो उसकी स्त्री बड़ी समझदार थी, सारा षड्यंत्र समझ गई और उसने अपने पति को समझा दिया। मैं नहीं मानता, ऐसा हो ही नहीं सकता। स्त्री में बुद्धि ही नहीं होती, तुम मुझे समझदार कहते हो? तुम तो हर बात पर स्त्रियों के विरुद्ध बकते रहते हो। दूध ले ले तो, दूध ले ले तो। दूध वाली आ रही है, बहुत सुंदर है यार, मैंने कभी सोचा ही नहीं था ग्वालन इतनी सुंदर होती है। तुम रोज उसी की प्रतीक्षा में यहाँ इसीलिए बैठे रहते हैं? और नहीं तो क्या, मेरा फर्ज चले मैं इसे अपने घर ले जाऊँ, अपने बाप के जूते खाओ। हमें और ज्यादा दूध चाहिए, मिलेगा ना?
अरे क्यों नहीं से? तुम कहो और मैं ना करो, ऐसा कभी हो सकता है? नीति कहाँ है तू? नगर गांव के पास मेरा थान है, वहीं मेरे गाय गौ बंधे रहते हैं। आ जाऊंगा सूरज डूबने पर। हाँ अवश्य आइएगा, मैं रास्ता देखूंगी। और घर में कौन कौन है तेरे? और कौन होगा? मैं और मेरी जान है। सच कहती थी तुम, स्त्रियां पुरुषों से अधिक होशियार होती हैं। फिर क्या हुआ, वो आया? क्यों नहीं आता महाराज, वो मुझे अपनी विवाहिता पत्नी थोड़ी ही समझता था। जो अकड़ दिखाता उसे तो आ नहीं था, दूध का तो सिर्फ बहाना था, उसे तो ग्वालन की तलाश थी और मुझे भी उसे दूध थोड़े ही बेचना था, मुझे भी अपना पति चाहिए था। ऐसे ही बड़ा समय बीता महाराज, हर रोज ससुराल से सुरंग में होती हुई मैं पिहर आती और ग्वालन का वेश धारण करके उनके साथ समय बिताती। उसने तुम्हें कभी नहीं पहचाना? अपनी बहू को कभी देखा हो तो पहचाने, वो तो दूध बेचने वाली का प्रेमी। उसने मुझे कितनी जेवर भेंट किए, कितना धन दिया और सचमुच मुझे बड़े सुख से रखा। फिर एक दिन जब वो मुझसे वहाँ मिलने आया महाराज, तो वहाँ ना वे गाय भैंस थी, ना वो ग्वालन और ना ही उसकी झोपड़ी। यहाँ वहाँ पूछता ही रहा कि वो ग्वालन कहाँ गई, पर किसी को पता हो तो जवाब दे। किंतु तुम अदृश्य क्यों हो गई? ये माँ बनने वाली थी, अब यश ही फैलता ये बदनाम होती और मेरा दामाद तो होता ही, मैंने इन दोनों का मिलना जुलना बंद कर दिया। और एक दिन दासियों ने भोजन देने के लिए दरवाजा खोला तो देखा सपने तो नहीं आते, दो वर्ष से कल घर में बहुत कई पड़ी और तू कह रही है बच्चा उसको अब चलता देखिए कोर्ट में बच्चा है। ये बच्चा किसका है? मेरा है, आखिर मैं आपकी बहू हूँ और किसका होगा? मेरा और मेरे पति। चलो बेटे दादा दादी को प्रणाम करो। नीच उल्टा और झांक भी दिया है संसार में, जो तुम उसे इस बच्चे का बाप बता रही। एक बार उन्हें बुला तो दीजिए, एक बार वो कहते कि वो मुझसे कभी नहीं मिलते क्योंकि शरीर सही सब मिला मैंने कभी से। कई बार मिलते हैं, एक बार वो तो बताओ। समझ कर एक उल्टा ने इन दासियों को मिला लिया, जरूर कोई अन्य पुरुष इससे मिलने आता। नहीं आप हमें कुछ नहीं पता, इससे अभी इसी का इस घर से निकालिए, अभी तुरंत इस घर में नहीं लेने जा। मैंने उन्हें बहुत विश्वास दिलाने का प्रयत्न किया पर उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी, मुझे घर से निकाल दिया। तब तो आप वहीं थे महाराज। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पर इतना होने पर तुम्हारे सास ससुर ने तुम्हारे पति को नहीं बुलाया? मेरा दामाद आजकल यहाँ नहीं है महाराज, मैंने पता लगाया था, वो माल खरीदने विदिशा नगरी गया है, आजकल मैं लौटने ही वाला है। आजकल मैं लौटने वाला है अर्थात हमको चले तो वो हमें विदिशा नगरी के मार्ग में मिल सकता है। तुम यहाँ इस रूप में? मैं और क्या करूँ, इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं था, मेरा दर्शन हो जाना ही ठीक था।
तुम एकाएक मुझे झूठा करने चली गई। इसे देखो, तब मैं तुम्हारी इस बच्ची की माँ बनने वाली थी। मेरी तो बदनामी होती, साथ में नगर में तुम्हारी भी बदनामी होती, इसलिए मैंने सोचा इन कथा का यही अंत हो जाना चाहिए। मेरी सब कुछ है, मेरे इस बच्चे के पिता है। सुखिया, जब ये हमारे आश्रम में आई, ये माँ बनने वाली थी, बहुत दुखी थी, आत्महत्या का सोचती थी। हमने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा। बच्चे को जन्म देने के बाद ये जोगन बन गई, ठीक ही था। प्रेमी छोड़ जाने के बाद इसका इस दुनिया में था कौन? नहीं बाबा, अब ये जोगन बनकर नहीं रहेगी। मैं इसे कब से खोज रहा हूँ। मुझे इनके साथ जाने की आज्ञा दीजिए बाबा। यदि ये तुम्हें बहू मानकर अपने घर ले जाए तो हम ये आज्ञा दे सकते हैं। मुझे स्वीकार है। तो जाओ, अपने माता पिता से कहकर हमारे स्वागत की तैयारी करो। हम कल प्रातः तुम्हारे घर आएंगे। भी अपने बहू को आशीर्वाद दे दीजिए। यही तो हमारी बहू है। वही यही आपकी बहू है, यही है वो ग्वालन, यही है वो जोगन, यही है आपके बेटे के बच्चे की माँ। एक बात समझ लो, तुम अपने आप को बहुत बुद्धिमान मानते हो ना, पर स्त्रियां भी तुमसे कोई कम बुद्धिमान नहीं होती। मेरे पोता कहा? महाराजा विक्रमादित्य की जय। महाराजा विक्रमादित्य की जय। सुनी कहानी राजा भोज? ऐसे थे सम्राट विक्रम, मनुष्य में देवता, परम साहसी, परम न्यायी। राजा के नाते यदि कोई भी गुण तुझ में है तो निश्चित ही सिंहासन पर तेरा अधिकार है। यदि नहीं है तो आगे पैर मत रखना। सिंहासन है ये चमत्कारी, हर हर पतली